सो स्टूडेंट्स एज वी वर डिस्कस अबाउट द रेजेंस और अब जो रेजिलेंस uh, की कुछ एक दो पोर्शन जो हमने ऑलरेडी uh, जो है वो स्टडी कर लिए थे उन्हीं को एक बार फिर से देखते हैं और इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं द अनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल द हाइब्रिड जो एक्च अच्छा, उसका जो हाइब्रिड हाँ, मोलिक्यूल <coughs> होगा इज लोअर देन दैट ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो उसकी कैनोनिकल cano स्ट्रक्चर्स होंगी उनसे जो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी स्ट्रक्चर उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी सो लोअर इज द स्टेबिलिटी लोअर इज द लोअर इज द एनर्जी हायर विल बी स्टेबिलिटी हायर विल बी स्टेबिलिटी सो दैट्स वाई जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा इसका वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा ठीक है एनर्जी जो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा एक कैनोनिकल फॉर्म और एक हाइब्रिड फॉर्म तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा द डिफरेंस इज कंसिडर्ड टू बी एज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और सिंपली वी कैन से द रेजोनेंस एनर्जी इसको हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ओके सो द रूल्स फॉर द राइटिंग स्ट्रक्चर्स दो रूल्स थे द सेम पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियर न्यूक्लियर की पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं द सेम नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की भी संख्या सेम रहती है

पाईबोंड का या फिर होगा लोन पेयर का तो हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है लोन पेयर्स या पाई बोन का अब होता है उनसे फ़र्क क्या पड़ता है जो उनके साथ एडजेसेंट आइटम होता है उनके ऊपर जो चीज़ प्रेजेंट होती है अब ये दो प्रकार की होती है अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी एक प्लस आर इफेक्ट होगा और एक होगा माइनस आर इफेक्ट देखते हैं ये कैसे इंपैक्टफुल होते हैं सी यहाँ पे हम इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए इन चीज़ों को समझने के लिए हम दो पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं ठीक है एक तो होता है सब सब्सिट्यूएंट्स ग्रुप सब्सिट्यूएंट्स ग्रुप जो ग्रुप

ये मेरा ग्रुप है यदि इलेक्ट्रॉन यहां से सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द प्लस आर इफेक्ट क्लियर तो इसके वजह से हमें यह चीज ध्यान में रखनी है कि जो ग्रुप होना चाहिए इसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ईडीजी ठीक है सो so, जब ये ईडीजी यानी कि जो ग्रुप होगा दैट हैज द कैपेसिटी टू डोनेट द लोन पेयर टू द सिस्टम इस कॉन्जुगेटि सिस्टम में जो सिस्टम हमारे पास यहाँ पर क्या है सिस्टम यहाँ पे बेंजीन रिंग है और कॉन्जुगेटिव ग्रुप क्या है यहाँ पे दैट इज दी एन एच टू तो नो no डाउट इसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं और हमने लॉन पेयर की ऑलरेडी ऊपर बात की थी जब ये लॉन पेयर बैंजीन रिंग के अंदर देगा यानी कि सिस्टम के अंदर देगा तो दैट दैट इज कॉल्ड द प्लस आर इफेक्ट ठीक है इसके अंदर से उसके बाद से जो ग्रुप है ये ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरी रिंग में रेजोनेटिंग इफेक्ट कोज करेंगे और इसी रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण पूरी रिंग्स के अंदर यू विल सी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट आपको दो दो पोलैरिटी यानी कि पोलराइजेशन नजर आएगा जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे से यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन हम एक बार क्लैरिटी से देखते हैं उसे अब नाउ सी वट विल हैपन तो इस ये है हमारे पास ग्रुप और ग्रुप ने सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स दिए तो दिस इज द लोन पेयर अब ये लोन पेयर कहाँ से है ग्रुप से रिंग की तरफ आए यानी कि सिस्टम की तरफ आए और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आ गया अब डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन्स के पांच इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट कर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दिस नेगेटिव चार्ज विल टेक द रेजोनेटिंग मूवमेंट अब ये रेजोनेटिंग मूवमेंट लेगा यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं और अल्टीमेटली हम यहाँ पर पांचवी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि वापिस से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव कर गया से यहाँ यहाँ और यहाँ पे और ये क्या आ गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फिर से जनरेट हुआ और ये एनएस टू जो फर्स्ट पोजीशन से हम चले थे उसी फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गए और ये फिर से ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा दोबारा से अगेन एंड अगेन सो रेजोनेटिंग इफेक्ट की तरफ से क्या हुआ दो पोल्स जनरेट हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव यू विल सी चार्ज मूव इन ऑल अराउंड द रिंग रिंग के अंदर पूरा का पूरा मूव करता है सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द प्लस आर इफेक्ट क्लियर दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेजोनेंस. देन व्हाट अबाउट द नेगेटिव रेजोनेंस? नाउ वी कैन सी अब एक पोर्शन से उसको समझने की कोशिश करते हैं से दिस इज ग्रुप एंड दिस इज सिस्टम नाउ द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम सिस्टम टू द ग्रुप अब सिस्टम से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जब सिस्टम से ग्रुप की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द माइनस आर इफेक्ट इस इफेक्ट को क्या बोला जाएगा माइनस आर इफेक्ट इस चीज के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा जो ग्रुप है दैट हैज द कैपेसिटी या इसकी टेंडेंसी या नेचर क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने का ठीक है सो It has the electron withdrawing nature, so we say E W G, that is the electron withdrawing group. So what will happen? That this is the as I told you N O two group.

So, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस आर इफेक्ट एन थी माइनसो वेरी इंपॉर्टेंटुकेशन क्या चीज होती है के अंदर हमें यह चीज समझना पड़ेगा कि एक एस ऑर्बिटल पार्शियल ओवरलैप करता है दार्शियल पार्शियल ओवरलैप करता है विदेंट विद वेकेंट पी ऑर्बिटल ठीक है पी ऑर्बिटल के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग करता है पार्शियल और पार्शियल ओवरलैपिंग के कारण वहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहां पर जनरेट होते हैं लेट्स सी सी कैसे नाउ अभी हम इसे एग्जांपल से समझते हैं और फिर इसको आ, आ, इसके डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे से so, ये मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर को यदि हम कंसीडर करें तो व्हाट विल हैपन ये एच जो एटम है इस एच एटम के पास केवल एस ही

इस पर्टिकुलर कार्बन को यदि मैं कंसीडर करूँ इस इस पर्टिकुलर कार्बन को कंसीडर करूँ तो इसकी अभी एक दो तीन चार चार वैलेंसी पूरी हैं सो फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड थर्ड बॉन्ड एंड फोर्थ चारों के चारों बॉन्ड्स इसके कंप्लीट है जब ये बॉन्ड ब्रेक होके ये यहाँ पर आ जाएगा तो दिस एंड दिस बॉन्ड जो सेकेंड कार्बन सेकेंड बॉन्ड हम देख रहे हैं दैट विल दैट विल बिकम द डबल बॉन्ड अब ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा नाउ सी व्हाट यू विल सी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये डबल बोंड बन गया जब ये डबल बोन बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा इस कार्बन इस कार्बन यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां पर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है सो so, इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया अब यहां से ये अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो व्हाट विल हैपन ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा सेम वे में इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड सो यू विल सी ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक किया इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक किया ठीक है एंड इन अदर वे इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक किया अब तीनों ने जब भी बॉन्ड ब्रेक किया सो इज दिस कार्बन दिस कार्बन विल हैव द डबल बॉन्ड ठीक है और ये जो डबल बॉन्ड yeah, यह दैट इज कॉल्ड द पार्शियल ओवरलैपिंग ये पार्शियल ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल्स के साथ और कार्बन के पास तो टू पी ओरबिटल्स होता है तो टू पी ऑर्बिटल्स के साथ दैट पार्शियल ओवरलैपिंग विल टेक्स प्लेस सो इसी को हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन फर्स्ट

एस uh, बॉन्ड ठीक है तो so, यहां पर डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन मीन द मूवमेंट यानी कि उसका एक प्रॉपर लोकेशन नहीं होगा प्रॉपर लोकेशन नहीं हुआ तो रिप्लेसमेंट ऑफ द सी एच बॉन्ड विध सीसी बॉन्ड जो सी एच बॉन्ड का रिप्लेसमेंट है वो सीसी बॉन्ड के साथ होता रहेगा एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी फॉर द हाइपर कॉन्जुकेशन तो हाइपर कॉन्जुकेशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ती रहेगी so, जितने ज्यादा सी एच बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी हाइपर कंजुकेशन की यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको कंसिडर करने की कोशिश करते हैं नाउ सी वट विल हैपन ये सी और सी के बीच में ऑलरेडी <coughs> एक बॉन्ड है ठीक है और इनके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ठीक है सो दिस दिस हाइड्रोजन विल है पार्शल पॉजिटिव चार्ज जब इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैप करेगा जो पी और है पार्शल ओवरलैपिंग यहाँ पर टेक्स प्लेस होगी दैट

रिएक्शन भी यहाँ पर पड़ी हुई है ठीक है और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है ये थोड़ी सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो आ, अभी इस हाल फिलहाल में आपको नहीं देखने को मिलेगी सो लेटेस्ट डिस्कस वन बाय वन देखते हैं वो क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है सब्सिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास जो होंगी दैट इज सब्सिट्यूट लगाना यानी कि एक सब्सट uh, एक एटम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द अदर ठीक है सी से so, ये है मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है मीथेन की और बहुत कॉमन है तो यहाँ पर मीथेन के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जब भी हम उसे सी एल टू के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल हैपन दैट हाइड्रोजन विद रिप्लेस वाई दी एल सी एल से ये क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो एक सी एल भी यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा सो so, यहाँ पर आपको एक्सीएल भी निकलता हुआ दिखाई देगा और इस हाइड्रोजन की जगह आपको क्या नजर आएगा Cl नजर आएगा सो दैट इज पहले क्या नजर आ रहा था हाइड्रोजन अब इस जगह पर क्या नजर आ रहा है तो हाइड्रोजन so, so, uh, OH. so, के यहां से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा सो so, यहां पर रिप्लेसमेंट हो गया विद द ओ एच सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ इट द रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन और एनी एटम बेसिकली हम हाइड्रोजन की ही बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर और एनी फंक्शनल ग्रुप इज सब्सिट्यूट बाय दी अनदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड सब्सिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन की आपने एक खास बात ध्यान रखनी है एवरीथिंग विल गेट एड एवरीथिंग विल गेट एड ठीक है हर चीज यहां पर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी थिंग विल एलिमिनेटेड कुछ भी यहां से आपको निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा न उसी एग्जाम्पल से देखते हैं और फिर हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या होगा एक जगह यहां पर ब्रोमिन लग जाएगा एक जगह यहां ब्रोमिन लग जाएगा देन वट विल हैपन यू विल सी एवरीथिंग इज गेटिंग एडिंग अप ठीक है दैट डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इन टू द सिंगल बोन तो हम इसे कह सकते हैं कि अनसेचुरेटेड से हम किस तरफ मूव करेंगे सैचुरेटेड की तरफ मूव करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नो डाउट बोन टूटेगा तभी तो कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐड होगा सो ना वॉट इज द डेफिनेशन द रिएक्शन इन विच द रिएजेंट एंड दबस्टेट कम्बाइंड टूगेदर टू गेव सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन तब हम उसे क्या बोलेंगे एडिशन रिएक्शन बोलेंगे क्लियर सो सेम वे में यहाँ एक रिएक्शन जैसे दिखा रखे दट इज सी एच ओ ग्रुप दैट इज एल डी हेड ग्रुप दैन वट इजन इस एल डी हेड ग्रुप के अंदर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेम वे में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे सी एनज द नेगेटिव चार्ज कार्बन है पॉजिटिव चार्ज सी एन अटैच हो गया एंड दट एच विल अटैच विद द ओ सो दैट विल बिकम ओ एच सो इसे हम क्या बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट क्लियर देन एलिमिनेशन जस्ट अपोजिट टू दी एडिशन उसका अपोजिट है ठीक है अपोजिट uh, कैसे वहां पर क्या हुआ था दैट पॉजिटिव सॉरी डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू टू सिंगल अब सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में ठीक है ये uh, एक छोटा सा यहाँ पर मैकेनिज्म भी है जो हम आगे फर्दर क्लासेज में जरूर स्टडी करेंगे ठीक है इस पर्टिकुलर केसेज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे दैट इज द ब्रोमो इथेन ये क्या है ब्रोमो इथेन जब हम इसे के की प्रेजेंस में करेंगे तो के प्रेजेंस के जब एल्कोहलिक एल्कोहलिक मीडियम में इसको जब हम करते हैं तो एल्कोहलिक मीडियम में द डबल बॉन्ड यहां पर आपको नजर आएगा डबल बॉन्ड देख सकते हैं केवी आर यहां पर न, न, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स में दिखाई देगा वाटर एंड केवी आर सो यहां पर डबल बॉन्डिंग आया तो हम इसे कह सकते हैं द सेचुरेटेड टू में कन्वर्ट हुआ

सर्टेन uh, like, uh, <coughs> अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर लेगा जैसे कि फॉर ब्यूटेन एंड ब्यूटेन सो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह की पोजीशन दे दे तो इसी इसी पर्टिकुलर सेम विद इन द मोलिक्यूल जो है हमने देखा कि कुछ कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट हुआ सो so, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे दीज टाइप ऑफ रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सो मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ये होगा कब किसी ना किसी रिएजेंट्स की प्रेजेंस में अंडरगो सम रीअरेंजमेंट्स ठीक है ये कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट्स देते हैं जैसे कि इसके अंदर था एक अमोनियम बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमोनियम नाइट्राइट नाइट्राइट विल विल गिव राइज़ टू यूरिया ठीक है ये रिएक्शन हमने uh, 10th क्लास में भी पढ़ा है इस इस रिएक्शंस के अंदर हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की वजह से जो हमारी uh, uh, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे फॉर दिस रिएक्शन तो हुआ क्या था एन एच फोर सी एन ओ टू सी ओ एन एच टू तो यहाँ पर आपने देखा कि ये अपनी पोजीशंस को रीअरेंज कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल एक ऊपर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ लाइक एन ब्यूटेन जो है वो टू uh, मिथाइल प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो गया सो बाई दिस हैं जो अपने आप में रिअरेंज रे करती हैं सो so, लेट्स uh, जो भी अभी हमने स्टडी किया है रिगार्डिंग दाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमने चार टाइप्स किए हैं चार टाइप्स के अंदर जो हमने पहला टाइप uh, किया है दैट इज दूशन रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि कोई भी एक एटम जो है वो दूसरे एटम को किसी मोलिक्यूल्स के अंदर रिप्लेस कर देगा द बेस्ट एग्जाम्पल इस जैसे मीथेन है मीथेन की हमने रिएक्शंस की थी सी एल टू के साथ तो हमने ये रिएक्शंस के अंदर ऑलरेडी देखा था कि ये रिएक्शन इवन सनलाइट के अंदर होती है और कंटिन्यू चलती है कब तक कंटिन्यू चलेगी जब तक सभी के सभी जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देते ठीक है सो स्टेप बाई स्टेप ये रिएक्शन होती है और इसी रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहले बनता है सी एच थ्री सी एल देन बनेगा सी एच टू सी एल टू देन सी एच थ्री सी एच सी एल सी एंड सी सी एल फोर बनता है याद रखना है वो ये याद रखना है कि अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी कि जो डबल बोन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो सिंगल बोन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे सो दैट विल बी द

पोजिशन को चेंज करता है तो उसे हम बोल देते हैं रीअरेंजमेंट रिएजेंट किसी भी अटैकिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में सो दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें आगे जब फर्दर क्लासेस के अंदर जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो ये सभी पोर्शन uh, को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और हमें इन्हीं के बेसिस पर बहुत सारी मैकेनिज्म या uh, जो कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन होगी वो पता चलेगी ओके थैंक यू